हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, गुड। तो हम लोग डीफा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत एरर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? एरर्स के बारे में जानेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए आते हैं। ठीक है, एरर के बारे में बात करेंगे। देन व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, क्या अंतर है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देन जानेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो थोड़ा बहुत ये कुछ ना कुछ टॉपिक तुम लोगों ने क्लास 11th और 12th में कवर भी कर रखे होंगे। जिन लोगों ने पढ़ रखा अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है रिवाइज करें, और बिल्कुल नोट्स जैसा बना दिए हैं वैसे ही बनाएं और इसको एग्जाम के लिए अपना प्रिपेयर करें। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर की शुरुआत होती है हमारी किससे? एरर से। तो आखिरकार ये एरर्स हैं क्या? एरर मतलब त्रुटियां। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग एरर्स को? त्रुटियां कहते हैं ना, गलतियां, एरर्स, त्रुटियां। ठीक है ना? हाँ, सॉरी, त्रुटियां होता है। ओके, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज एरर इन फार्मेसी। फार्मेसी में त्रुटियों का या गलतियों से क्या मतलब है, और फार्मेसी में हम लोग जो गलतियां हैं इससे हम लोग क्या समझेंगे। तो आओ देखते हैं हम लोग। तो फार्मेसी में गलतियों से हमें सिर्फ इतना समझना है, जो अंतर आता है मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में। अब ये दोनों क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो देखो मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। मेजर्ड वैल्यू जो वैल्यू हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या अपना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें हम चाहते हैं कि उसमें 100 ग्राम में इतना कुछ होना चाहिए, यानी कि 100 ग्राम अगर हम अपना प्रोडक्ट ले लें तो उसके अंदर इतना अमाउंट ऑफ किसी मेडिसिन का कंसंट्रेशन होना चाहिए। या सिंपल से लैंग्वेज में समझे, हम लोग वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। लैब में क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हम अपना कुछ रिजल्ट ला सके। ट्रू वैल्यू होती है हमारी, इसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अगर उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, उसका रिजल्ट, सपोज उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है, उसका रिजल्ट और ट्रू वैल्यू का रिजल्ट दोनों आपस में क्या है, बराबर है या बहुत पास में है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कोई कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग और उस कंसंट्रेशन की वैल्यू है 2.5 और मेरी यहां पे आ जाती है 2.4। ओके है, बहुत नियर अबाउट है, पास में है, तो हम इसको गलतियों में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास वैल्यू आ जाती है सपोज 1.4 और रियल वैल्यू क्या है मेरे पास 2.5, तो मैं देख सकता हूं ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। यहां मैंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या कर दी है, गलती कर दी है, ठीक है। और ये जो एरर होते हैं, इन एरर को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इसको ठीक नहीं करते हैं तो मेरे पास जब मेरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं फॉर्मुलेशन बना रहा हूं, अपनी दवाइयां बना रहा हूं, वो क्या होंगी, गलत बनेंगी। उसके अंदर जैसे कि सपोज हम पैरासिटामोल खा रहे हैं, उसके अंदर पैरासिटामोल का अमाउंट हम तो मान रहे हैं कि 500 mg, बट 500 mg ना होकर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये सारी त्रुटियों को हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना है, काम करना होता है। इसीलिए फार्मेसी में एरर्स का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो जो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ट्रू वैल्यू जो मेरे पास क्या आ गई है, ट्रू वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। मतलब ट्रू वैल्यू मतलब ऑलरेडी, इस ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू को मतलब क्या है, हम लोग एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, और वो जो सटीक आंसर निकल के आ जाता है, फिर हम उससे हम अपनी जितनी भी फर्दर वैल्यूज होती है उसको क्या कराते रहते हैं, कंपेयर कराते रहते हैं। जो हमारे पास आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है ना, आईपी बीपी सुना होगा, इनके अंदर एकदम स्टैंडर्डाइज फॉर्म दे रखी है,
हमको अपनी जो मेजर्ड वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, बिल्कुल इससे हमें क्या करानी होती है, मैच करानी होती है। जब मैच करता है या इसके बहुत पास आता है हमारा आंसर, तो फिर मैं अपने प्रोडक्ट को क्या मान के चलता हूँ, सही मान के चलता हूँ और अपनी प्रोसेस को मैं आगे फार्मेसी में बढ़ा सकता हूँ। बात समझ में आ गई कि आखिरकार एरर है क्या। एरर का मतलब वैसे तो बहुत कुछ है, बट एरर का इन टर्म्स ऑफ फार्मेसी में हमें कैसे समझना है, फार्मेसी में एरर को कैसे समझना है। बात समझ में आई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, या नेक्स्ट टॉपिक क्या है। व्हाई डू वी स्टडी एरर। ठीक है, गलती हो रही है तो काफी हद तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग एरर को क्यों पढ़ रहे हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, एरर नहीं जानेंगे, गलतियां हो रहा है तो दवाई का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा भी कम ज्यादा होने से क्या हो सकता है, बॉडी के फंक्शंस काम करना बंद कर सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ड्यूरिंग अ मेजरमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट द एरर। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तुम कोई भी काम करो, मैं तुमसे कहूं कि एग्जैक्ट 1 लीटर दूध ले आओ, ठीक है ना, तुम गए 1 लीटर से नापने वाला, जब तुम उसको नापोगे ना और जब डालोगे 1 लीटर, तो देखो डेफिनेटली थोड़ा बहुत दूध तुम्हारा उसमें लगा रह जाएगा, ठीक है ना, और कुछ हो सकता है एक आध ड्रॉप गिर जाए। तो इसी तरह से जैसे दूध का एक एग्जांपल दिया, जब हम केमिकल को नापते हैं, केमिकल को वेट कर रहे हैं, दो अब वेट ही कर रहे हैं हम लोग 0.01 मिलीग्राम, उसमें तो बहुत हल्का सा पाउडर रखा नापने के लिए, उसके 2-4 कण वहीं रह गए वेइंग बैलेंस पर, तो क्या होगा, जो आगे मेरे पास मैं अपना सैंपल लेके जा रहा हूं वो ऑलरेडी उसमें क्या हो गया, वेट मेरा गड़बड़ हो चुका है। तो हम ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, ना चाहते हुए, हम नहीं चाहते गलतियां हो, बट वो होती हैं क्योंकि वो है, हम लोग उसको एलिमिनेट मतलब समझ रहे हो ना, उसको हम बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, हम चाहें कि हमारा काम एकदम परफेक्ट हो, नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो होती ही होती है। इसीलिए एरर पढ़ना जरूरी है, और एरर पढ़ने के बाद हम सीखेंगे कि इन एरर्स को दूर कैसे किया जाएगा। चले आगे, तो बात समझ में आ गया, व्हाई डू वी स्टडी एरर, बिकॉज हमारा कोई भी काम जो होता है मेजरमेंट होता है, ठीक है ना, परफेक्ट नहीं होता है। मेजरमेंट्स आर नॉट परफेक्ट, मेजरमेंट जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, परफेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर होगी बात, चले आगे। ठीक है, ओके, ये हो गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर। अब हमको ये समझना है कि एरर आती कहां कहां से है। क्वेश्चन अपने आप में काफी लंबा चौड़ा ये, ठीक है ना, तुम लोगों को क्या करना है, इसको याद रखना है, और क्योंकि तुमको पूरी थ्योरी आने वाली है नेक्स्ट टर्म से, तो पूरा लिखना पड़ेगा। देखते हैं सोर्स मतलब कहां कहां से एरर्स आती हैं। तो सबसे पहला एरर देखो, जो हम कभी सोचा भी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बाय सब्सटेंस, ठीक है, ऑन वेइंग बैलेंस। हम लोग जब दो चीजों को वेट करते हैं ना, हम लोग मंडी में जाते हैं, 2-2, 3-3 किलो की चीज लेते हैं, तो पहले वो एक बाट रख देगा, ठीक है ना, और बाट रख कर मतलब बाट हटा देगा, फिर क्या करता है, बैलेंस करता है उसको। हम लोग वहां पे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी और हैवी चीजें ले रहे हैं। यहां पर हम लोग मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में चीजों को तौल रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक वेइंग बैलेंस का हवा में रखा हुआ है, और हमने उसको क्या किया, 0 दबा दिया। लेकिन हमने जब 0 उसको किया है, उसका 0.0 कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसके ऊपर किसका दबाव है, हवा का प्रेशर है उसके ऊपर, यानी कि कुछ वेट ऑलरेडी था उसके ऊपर। और जब अपना सब्सटेंस वेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस तरह से रहता है, मैं अपने सब्सटेंस इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, यहां पे मेरे पास क्या रीडिंग्स होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी हवा का प्रेशर है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोंसी, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, हवा के प्रेशर को बायोंसी, हवा का दबाव है, जिसकी वजह से ऑलरेडी यहां पर कुछ रीडिंग आ रही थी। हमने यहां पर बटन दबा करके इस रीडिंग को क्या कर दिया, 0-0 कर दिया, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर तो है ना, वहां पे मौजूद है। जब हम अपना सब्सटेंस डालने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग क्या है, कुछ वेट वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, वो सब्सटेंस आएगा, हवा को हटाएगा और खुद वहां पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या आ रहा है, मेजरमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब एक मिस्टेक होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसको हम लोग दूर कैसे करते हैं, तो इसको दूर करने का जो सबसे सिंपल तरीका है हमारे पास, वो तरीका है हम लोग इसको एक चैम्बर में रखते हैं, ठीक है, और यहां पर एक पंप लगी रहती है, तो यहां पर हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि
यहाँ पे सारी हवा निकल जाती है और हम लोग अपने वेट को बहुत इजीली और सही तरीके से नाप सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट बता रहा है वो एडहेरेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स विद बैलेंस। ऐसा हो सकता है कि जो वेइंग बैलेंस है हमारा उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल आकर के चिपक जाए, तो उसकी वजह से क्या है वो कुछ हमको वेट नापना है 1 ग्राम, पहले ही उसमें पार्टिकल चिपके हुए हैं, तो हम लोग जो वेट नापेंगे कुछ हमारा वेट क्या हो जाएगा कम नप के आएगा और मेरे पास जो मेरी सैंपल का वेट है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एडहेर मतलब चिपकना, एडहेर का मतलब क्या है चिपकना, एडहेर का मतलब क्या है चिपकना है। ओके तो वापस आते हैं हम लोग, एडहेर का मतलब क्या है चिपकना है हमारे पास। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब कोई चीज जब लगातार बदलती रहती है ना, जैसे लाइट कभी देखा है, लाइट कभी घरों में आती है तो एकदम से कम ज्यादा हो रही है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होता है फ्लक्चुएशन इस्तेमाल होता है। फ्लक्चुएशन अप और डाउन ऑफ बैलेंस ड्यू टू एयर, लगातार क्या हो रहा है हवा की वजह से मेरा बैलेंस क्या हो रहा है अप एंड डाउन हो रहा है और मैंने उसी बीच में अपना वेटेड रख करके नाप लिया, उस बीच में नापूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास रीडिंग क्या आएगी गलत आएगी, मेरा जो सैंपल का वेट है वो सही नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट, समटाइम्स स्टैंडर्ड वेट्स हैव एरर। हम लोग जो वेट हमारे पास होता है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है, तुम सब्जी लेने गए और 1 किलो का जो तुम्हारा पत्थर है या बाट है लोहे का वो कुछ समय हो गया, साल भर हो गया, कहीं गिरा पड़ा, कहीं से थोड़ा छट गया। इसी तरह से लैब में ना बहुत छोटे छोटे से वेट होते हैं, ठीक है, कहीं उसे रगड़ लग गई, उस वेट से कुछ पार्टिकल घिसके निकल गए हैं, तो उस वेट में पहले से ही एरर आ रहा है, मतलब वो वेट मेरा एग्जैक्ट 1 ग्राम का या 2 ग्राम का नहीं है, कुछ कम है, तो यानी कि मेरे जो स्टैंडर्ड वेट थे उनमें पहले से ही क्या थी प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से क्या है वो सही से काम, मतलब जो मेरा सैंपल है उसका वेट एग्जैक्ट नहीं आएगा और जो आगे फॉर्मुलेशन बनाऊंगा, आगे जो मैं मेडिसिन बनाने जा रहा हूं उसमें मेरे पास क्या है एरर्स होंगे, उतनी दवाई वहां पे मौजूद नहीं होगी। फ्रिक्शन इन मूविंग पार्टिकल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्केल। अब देखो ये थोड़ा सा पार्ट चला गया हमारा फिजिक्स में, फ्रिक्शन, पार्टिकल जब चलते हैं हवा के पार्टिकल्स चल रहे हैं तो आपस में क्या लगाते हैं फ्रिक्शन करते हैं, जब फ्रिक्शन लगाते हैं तो मेरा जो इक्विलिब्रियम का जो वो है, मान लो मैंने दवाई को ऐसे एकदम देखने जा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, जस्ट मैंने यहाँ वेट डाला, यहाँ वेट रखा, यहाँ वजन डाल रहा हूँ सैंपल का, यहाँ मैंने वजन रख दिया, इक्विलिब्रियम होने ही जा रहा है, उसी बीच में क्या हुआ हवा बह रही है उसके पार्टिकल्स ने क्या किया इससे टक्कर मारी, फ्रिक्शन हुआ, तो फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हुआ ये थोड़ा सा झुक गया, हमको लगा ये वजन इसका थोड़ा सा कम है, हमने और वजन डाल दिया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या आ रही हैं एयर की वजह से डिस्टर्बिंग आ रही है, नाम उनके अलग अलग हैं, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, हवा वहाँ मौजूद है उसके वेट की वजह से हो रहा है, तरीके अलग अलग हैं, कारण हवा ही है लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं कि किस तरीके से वो एरर्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें देयर मे बी थर्मल एक्सपेंशन, अगेन फिजिक्स का टॉपिक से यहाँ से उठाया गया है, लोहे या लोहे से बनी हुई चीजें गर्मियों में क्या करती हैं एक्सपेंड हो जाएंगी, है ना, फैल जाती हैं गर्मी की वजह से, और सर्दियों में क्या करती हैं श्रिंक कर जाती हैं। मेरा वेइंग बैलेंस है जो इसके पैर लगे होंगे यहाँ पे, सपोज करना यहाँ पे इसके क्या लगे हुए हैं पैर लगे हुए, दो आगे दो पीछे लगे होंगे, अगर ये फैल जाएंगे, ऑब्वियसली फैल जाएंगे तो चपटे से हो जाएंगे, इनके हाइट थोड़ी सी कुछ कम ज्यादा हो जाएगी, हाइट अगर मेरी कम ज्यादा हो रही है अभी तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरा वेइंग बैलेंस तराजू है, एक मेरा वेइंग बैलेंस क्या है एक तराजू है अगर, तो अगर ये अप डाउन रहेगा तो मेरे पास क्या है मेरा जो बैलेंस है प्रॉपर एक तरफ नहीं, मतलब प्रॉपर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, एक तरफ झुका हुआ होगा और एक तरफ से उठा हुआ रहेगा, और ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने अपने सैंपल को वेट किया तो क्या होगा उसकी रीडिंग गलत आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट द आयरन कंपोनेंट ऑफ, अगेन यहाँ थोड़ा सा फिजिक्स का, हमारे आसपास क्या है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, कई बार वेइंग बैलेंस जिसके अंदर आयरन के कंपोनेंट लगे होते हैं, जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से कई बार फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से जो बैलेंस होता है मेरा क्या रहता है डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब रहता है और वो क्या होता है अप एंड डाउन हो सकता है और फिर उसके बाद क्या आ जाएंगी एरर्स आ जाएंगी। क्लियर होगी यहां तक बातें, 7 पॉइंट चले आगे, क्लियर है, नोट करेंगे इसको। ओके, चलो देखते हैं इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैलेंस मटेरियल में रिएक्ट विद सब्सटेंस बीइंग वेट,
मतलब जो मेरा वेइंग बैलेंस था, कई बार क्या हो सकता है, कुछ सब्सटेंस ऐसा होता ना विद इन इंस्टेंटेनियस, जैसे मैं वेट करने के लिए उस पर डाला, वो तुरंत उससे क्या कर गया, मेरा जो ये वेइंग बैलेंस था उस पाउडर से क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। अगर उस पाउडर से रिएक्ट कर गया है तो दो बातें होंगी, एक उस पाउडर में अब उस जो मेरा वेइंग सब्सटेंस है उसके कुछ पार्टिकल निकल के बाहर आ गए रिएक्ट करने की वजह से, तो इसका वजन कुछ क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसके अंदर क्या आ जाएगी, जब वजन बढ़ गया, यानी कि सपोज मेरे को इसको जो मेरे पास पाउडर था, सपोज पाउडर है ये 1 ग्राम तौलना है, मैंने डाला जैसे 500 ग्राम डाला इसमें ऐसे, ओ सॉरी 50 ग्राम डाला इसको, ठीक है 50 मिलीग्राम डाला, 1 ग्राम तौलना है, 50 mg डाला, तो जैसे 50 mg डाला तब तक जब तक मैं और डालूं इसे 1 ग्राम करने के लिए, तब तक नीचे के पार्टिकल क्या कर गए, रिएक्ट कर गए, रिएक्ट करके उसने वेइंग बैलेंस से पार्टिकल कुछ खींच लिए बाहर। अब ये जो 50 mg डाला था ये शायद हो गया होगा 55 mg, ठीक है ना 52 mg, तो इसका वजन बढ़ गया। अब जो मैं एडिशनल यहाँ पे डाल रहा हूँ वो उतना ही क्या डालूंगा, कम डालूंगा, कम डालने की वजह से अगेन जो इसका मेरा जो वजन है, जो मैं आगे सैंपल करके कुछ बनाने के लिए जा रहा हूँ, फिर से क्या आएगा, रॉन्ग मेजरमेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो बैलेंस का मटेरियल रिएक्ट कर जाता है कई बार, ठीक है ना, जो जिसको कि जिस सब्सटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। क्लियर है बातें? ओके आगे बढ़ते हैं। सम टाइम्स एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंस ऑन कोल्ड आइटम, कई बार हमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं ना जो फ्रिज में रखने पड़ते हैं, ठंडे होते हैं एकदम से, उनको जैसे ही निकाल के बाहर लेके आते हैं वेट करने के लिए, एटमॉस्फेयर से, देखा ना ग्लास में अगर ठंडा पानी डाल दो तो बाहर से एयर के वाटर मॉलिक्यूल आके चिपक जाते हैं ग्लास में, ठीक उसी तरीके से जब उस ठंडा कोल्ड आइटम को हम लोग तौलने के लिए जा रहे हैं जब, ठीक है ना, तो होता क्या है मॉइस्चर आकर के उस पर आगे चिपक जाएगा, जब मॉइस्चर चिपक जाएगा तो उसका कुछ वजन बढ़ा देगा, यानी कि मेरे सैंपल का वेट फिर से क्या आएगा, गलत आएगा। ग्रेविटी, अगर फिजिक्स पढ़ रखी है तो हमको पता है अर्थ हमारी कैसी है, गोल है और जगह जगह पे क्या है, पहाड़ है। अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लगभग 10 या लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। और पहाड़ों पे हिली एरिया पे चले जाओ तो जी की वैल्यू जी डिक्रीजेस ऑन हिली एरिया, जी क्या करता है हिली एरियाज पे डिक्रीज करता है, ये बात समझ में आ रही है, जी जो है वो हिली एरियाज पे डिक्रीज कर जाएगा। अगर जी की वैल्यू कम हो गई, जैसे मान लो किसी का वजन 70 किलो है, किसी का वजन 70 किलो है, तो उस 70 किलो वजन में जो वजन होगा 70 kg, इस 70 किलो में 7 किलो मास होगा, इंटू 10 क्या है, दिस इज द जी, एफ इक्वल टू ये वेट क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, एम इंटू जी, तो मास कितना है 7 kg और जी कितना है 10। हिली एरिया पे चले गए तो जी की वैल्यू मेरी कम हो रही है, सपोज 9 हो गई, सपोज कितनी हो गई है 9 हो गई, तो अब कितना वैल्यू आएगी 7 × 9, हाउ मच, ये अभी मेरे को क्या नाप के दे रहा था 70 किलो, अब ये मेरे को क्या नाप के देगा 63 kg, बहुत अंतर आ जाएगा। यानी कि पॉइंट पे भी अगर मेरी जी की वैल्यू कम हो जाती है, मैं सेम एक्सपेरिमेंट को अर्थ की सरफेस पे करूं और उसी एक्सपेरिमेंट को पहाड़ पे जाके करूं, तो मेरा वेइंग जो सब्सटेंस को वेट कर रहा हूं उसके अमाउंट में अंतर आ जाएगा। तो ये चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है कि हम लोग उस लैब का मतलब उस कंपाउंड का बना कहां रहे हैं, वेट कहां कर रहे हैं, हिली एरिया में या प्लेन एरिया में। देन उसके बाद है वाइब्रेशन कॉज्ड बाय पासिंग ट्रेन और व्हीकल ऑल्सो अफेक्ट द वेइंग। ओके वाइब्रेशन, कई बार क्या होता है हमारी लैब वगैरह जो होती है उसके सामने से रोड वगैरह निकली हुई रहती है, हमारे रोड के बगल में हमारी लैब है या पटरी जहां पर है स्टेशन के बगल में हमारी क्या है लैब है, ट्रेन गुजरती है, ठीक है ट्रक गुजरता है, बड़ा तेज वाइब्रेशन होता है, फील किया होगा कभी इस चीज को, उस वाइब्रेशन की वजह से अगर उस टाइम पे हम लोग वेइंग वेट कर रहे हैं दिमाग से उतर गया है तो हमारा जो वेट है उसकी रीडिंग क्या आ जाएगी, गलत आएगी, उसकी रीडिंग क्या आएगी, गलत आने वाली है। क्लियर हो गया ये 11 पॉइंट, आगे बढ़े। ओके अब बात करनी है हमको सोर्सेस की, बात होगी सोर्स किस किस टाइप के होते हैं, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम मोटी मोटी बात करें तो देखो एक लिखा है डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर। डिटर्मिनेट मतलब जिसके बारे में सीधी सी बात है हमें पता है कि एरर हो रहा है, वी नो द एरर, हमें एरर पता है, देखो कितनी अच्छी बात है हमें एरर पता है। इसका एग्जांपल दूं जरा मैं तुम लोगों को,
एक स्केल है मेरे पास, है ना, चेंज की स्केल होती है, सबके पास है। सपोज तुमको पता है कि ये स्केल आगे से टूटी हुई है, आगे से 1 सेंटीमीटर, सपोज आगे से 1 सेंटीमीटर टूटी हुई है, आगे से 1 सेंटीमीटर, ये स्केल ऐसे करके टूटी हुई थी। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां से क्या था मेरा, 0 था, वो तो टूटा हुआ है, यहां से 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 है, इस तरह से पूरा 5 और ये 6। अब तुम अगर इस स्केल से मेजरमेंट करने जाओगे तो देखो क्या करोगे, अगर तुम्हें 2 सेंटीमीटर नापना है तो तुम एक्चुअली 1 से लेकर के कहां तक नापोगे, 3 तक। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 3 रीडिंग कितनी आ रही है, रीडिंग इज 3। रीडिंग कितनी है, रीडिंग 3 है, रीडिंग कितनी है, रीडिंग 3 है, बट एक्चुअल में मेजरमेंट कितना है, एक्चुअल वैल्यू की बात करूं अगर मैं, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, रीडिंग कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब यहां मेरे को पता है कि मेरा 1 सेंटीमीटर फालतू नपके आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको ठीक कर सकता हूं, इसमें से -1 कर दूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे मैं इसमें से -1 करूंगा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि मेरे को पता था एरर हो रहा है। और अच्छा, ये एरर मैं जितनी जितनी बार लंबाई नापूंगा उतनी बार 1 सेंटीमीटर की गलती आने वाली है, मेरे को पता है कि एरर हो रहा है, और ये एरर कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, लगातार रहेगा ये। तो ये हो गया सिस्टमैटिक इनडिटर्मिनेट एरर या रैंडम एरर। भैया इसका कॉज तो पता ही नहीं है, कॉज अननोन, कॉज मतलब हमें इसका कारण नहीं पता, हमें इसका कारण नहीं पता, क्यों नहीं पता है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, कर रहे हैं, मान लो मेरी स्केल पूरी सही थी, मैं तो मैंने 2 सेंटीमीटर नापना था, 0, 1, 2, 3 नापना था, मैंने नापा, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से मैंने कितना नाप लिया, 1.9 नाप लिया, है ना, 9 जब ऐसे रखकर ऐसे नापने जा रहा हूं, मेरे को ऐसे लगा 2 पे रखा है मेरा पेन, लेकिन कहां रखा था, 1.9 पर, रैंडम एरर हो गया, पता ही नहीं चला कहां से हो गया अचानक से, ठीक है ना। तो रैंडम एरर की बहुत सारी वजह होती है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया, पूरे प्रोसेस के दौरान पता ही नहीं चलेगा कहां तुम गलती कर गए हो, तो वो एरर क्या कहलाता है, रैंडम एरर कहलाएगा, या इनडिटर्मिनेट, कॉज का पता ही नहीं है, कॉज अननोन है, ठीक है ना। देन ग्रॉस एरर, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब पता है ना, सब टोटल दोनों का 1+2, ये दोनों एरर आकर के हम लोग क्या कर देंगे, अगर दोनों एरर हो रही है, इनडिटर्मिनेट भी और डिटर्मिनेट भी, और वो दोनों एरर फिर क्या होंगी, जुड़ती चली जाएंगी और क्या बनेगी, ग्रॉस एरर होगी। अच्छा, ग्रॉस एरर की एक खासियत है, ग्रॉस एरर इतना जबरदस्त होता है, इसमें रीडिंग मेरी बहुत ज्यादा गलत आती है, मेरे को देख के पता चल जाएगा गलती हो गई है, कि यार ये तो बहुत ज्यादा लग जा रहा है ना, देख के पता चल जाएगा गलती हो रही है। तो ग्रॉस एरर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन इनडिटर्मिनेट एरर को हटाना पॉसिबल नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ एरर 3 टाइप्स से कैसे कैसे हैं, आओ थोड़ा सा और जानते हैं, इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। डिटर्मिनेट एरर किसकी बात कर रहा है, ये डिटर्मिनेट एरर की बात कर रहा है ये, ओके। तो डिटर्मिनेट एरर यानी कि सिस्टमैटिक एरर, द कॉज ऑफ एरर इज नोन, हमें कारण पता है, और ये एरर कांस्टेंट रहता है, जैसे मैंने बताया जितनी बार नापोगे उतनी बार 1-1 सेंटीमीटर की गलती होती रहेगी, हमें पता भी है। आइडेंटिफिकेशन, हम उसको ढूंढ सकते हैं, एंड करेक्शन, ठीक कर सकते हैं, पॉसिबल है, आइडेंटिफिकेशन उसे ढूंढा जा सकता है और उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड, इसको रोका भी जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, हमें पता है स्केल खराब है, नहीं लेंगे वो उसके, हम अच्छी वाली स्केल लेके आ जाएंगे, है ना, और उसको हटाया जा सकता है, सिंपल सी बातें हैं। सोर्स ऑफ डिटर्मिनेट एरर, अब सोर्स का एक एग्जांपल मैंने वहां दिया था, देखो यहां पे कुछ और बातें भी होंगी। एरर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सैंपलिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल को टाइम पे एरर हो सकता है, मतलब कि मेरे को ऑलरेडी पता है मेरा जो वेइंग बैलेंस है, मेरे को ऑलरेडी पता है मेरी वेइंग बैलेंस की रीडिंग खराब है, पहले से ही 1 ग्राम दिखा रहा है, पहले से क्या दिखा रहा है, 1 ग्राम, मेरे को चाहिए कितना, 2 ग्राम, तो मैं यहां पे इतना वजन डालूंगा कि ये कितना दे दे, जब ये 3 ग्राम देगा तो एक्चुअल में कितना तौल रहा होगा, ये 2 ग्राम तौल रहा होगा, बात समझ में आ रही है ना। यूज ऑफ इनकरेक्ट फॉर्मूले, हमें निकालना कुछ और है, सपोज हमें निकालनी है मोलैरिटी, या मैं एक
बहुत बेसिक सवाल, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, मैं करना चाहता हूं क्या एडिशन और साइन लगा दिया है माइनस का, होगी गलती, गलत फॉर्मूला लग गया। तो वैसे ही मैं निकालना चाहता हूं मोलैरिटी, निकाल दी है मोलैरिटी, ठीक है ना, मैंने इनकरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया है, ऑब्वियसली बात है ये मैं इजिली जैसी सही फॉर्मूला यूज करूंगा ये मेरा ठीक हो जाएगा। रॉन्ग एनालिटिकल मेथड, जब मैं एनालाइज करूंगा टू कैलकुलेट ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो एनालिटिकल मेथड होते हैं वो मैंने गलती से गलत ले लिया, ठीक है, बाद में उसको जब सही लूंगा तो मेरी वैल्यू सही आ जाएगी। ड्यू टू वेइंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैंपल, सैंपल नापना था 2 ग्राम और गलती से मैंने लिखा हुआ कहीं पे मान लो 2 ऐसे लिख दिया गलती से, है ना, तो वो क्या दिख रहा है 3 ग्राम दिखाई दे रहा है, तो मैंने नाप लिया कितना 3 ग्राम। अब इसको भी ठीक किया जा सकता है। सेंसर नॉट एडजस्टेड प्रॉपर्ली, सेंसर जैसे मैंने क्या बताया, ये सब ने देखा होगा वेइंग बैलेंस रहता है, इसमें कुछ ना कुछ वजन आता रहता है, फिर फाइनल बटन दबाते हैं 0 आ जाता है। इस सेंसर को अगर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा तो मेरा क्या रहेगी, रीडिंग जो आएगी वो गलत आएगी। क्लियर है सारी बातें, रीडिंग क्या आने वाली है उसके बाद गलत आ जाएगी। आगे चलते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर, ये वो एरर हैं जिनको हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कहां से हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। क्लियर है, द कॉज ऑफ एरर अननोन, मैंने बताया था इसका एरर हमें पता नहीं चलेगा कहां से हो रहा है, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ढूंढ नहीं पाते हैं कहां हो रही है एरर, है ना, दिस एरर कांट बी प्रिवेंटेड एंड रिमूव। अब ये तो हो रही है, मैं जब भी स्केल खींचता हूं मेरी आदत में ऐसे खींचता हूं तो वो ऐसा लगता है कि 2 पे पहुंच गया है, बट वो हर बारी क्या रहता है 1.9 पे आके रुक जाता है, तो हम इसको रोक नहीं सकते ना रिमूव कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई, जब कारण नहीं पता है तो इसे हटाएंगे कैसे, नहीं हटा सकते, हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते। दिस एरर इज ओनली मिनिमाइज, हम इसको केवल और केवल कम कर सकते हैं, मिनिमाइज मतलब कम किया जा सकता है, कैसे कम होगा, जैसे सपोज तुमको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक स्टिक ले लो, इस स्टिक की लंबाई सपोज कितनी है 10 सेंटीमीटर है एक्चुअल में। अब क्या हुआ, क्लास के बच्चों ने इसको नापना शुरू किया, तुम्हारे ग्रुप में 5 लोग थे, तुमने नापना स्टार्ट किया कि तुम्हारे ग्रुप में 5 बच्चे हैं और तुमने इसको क्या किया, तुमने इसको नापना शुरू किया, अब 5 बच्चे गए स्केल से नापा, किसी ने इसको नापा 9.9, किसी ने इसको नापा 10.1, ठीक है, किसी ने इसको नाप दिया 9.8, तो इस तरीके से क्या हो गया, इस किसी ने नाप दिया 10.00, किसी ने एग्जैक्ट नाप दी। अब किसकी रीडिंग सच ना मानी जाए, अब किसकी रीडिंग सच मानी जाए, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा था, ओके देखते हैं, तो किसकी रीडिंग सच मानी जाए, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, किसी की रीडिंग सच ना मानते हुए इसका क्या कर लेंगे, जैसे कि यानी कि भाई इसने 9.9 पर, तो हम लोग इसका क्या ले लेंगे, इसका एवरेज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसका एवरेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका एवरेज, यानी कि हर किसी, या फिर एक काम और कर सकते हैं, 4 बार और रीडिंग नापेंगे, फिर टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जितनी ज्यादा रीडिंग्स ले लेंगे उनका एवरेज जब निकालेंगे तो मेरे पास क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू। तो इसीलिए कहा गया है रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम, एक्सपेरिमेंट्स को कई बार रिपीट, यानी कि लंबाई कई बार नापेंगे, कभी 9.9, 9.8, 10.1, 10.25, 10, इस तरह से रीडिंग आती रहेगी, तो हम लोग उसका फिर क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेते हैं, उसका क्या लेंगे, एवरेज, ठीक है ना, उसकी बाद में क्या ले लेंगे, मीन वैल्यू ले लेते हैं। सोर्स की बात करें तो जैसे कि हम लैब में बात करें तो ब्यूरिट, ब्यूरिट पता है ना इस तरीके से रहती है, जिससे कि हम लोग, गलत हो गया, ठीक है ना, यहां पर इसके पीछे क्या रहता है, बच्चे लोग मुंह से इसको सक करते हैं बट एक्चुअली इसके पीछे क्या रहता है, बबल रहता है, खींचते हैं, और अगर इसमें एयर है, मान लो यहां तक हमें पानी भरना है या कोई सैंपल लेना है और बीच में क्या है, एयर बबल मौजूद है, क्या मौजूद है बीच में, एयर बबल मौजूद है, अगर बीच में एयर बबल मौजूद है तो क्या हो जाएगा, एयर बबल होने की वजह से, एयर बबल होने की वजह से मेरी जो 9 ml या 10 ml जो मैं नाप करके डालना चाह रहा हूं सैंपल, वो सैंपल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, बीच में एयर की वजह से कम रह जाएगी। बैलेंस इज नॉट रिंसिंग प्रॉपरली, हमने क्या किया, पहले वाला एक सैंपल वेट कर चुके थे और उसमें उसे कुछ कण रह गए हैं, ठीक है ना, वो रिएक्शन हो चुकी है वहां पर, हमने उसे साफ सूफ नहीं किया, दूसरा सैंपल ला के नाप दिया, तो उससे क्या होगा, अगेन ऑलरेडी वेट क्या उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, सैंपल्स आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली,
है ना, लैब में बच्चे लोग क्या करते हैं, उठाया सैंपल कि हाँ ठीक है, नाप लिया, जा रहे हैं मस्ती में, हल्का सा कहीं छटक गया या लिक्विड था कहीं छटक गया, दो चार बूंदें गिर गई, ऑलरेडी वो कितना था 0.5 ml था, उसमें से भी तुमने हल्का सा क्या कर दिया, छटक गया कहीं लग गया, तो वो क्या है, हमारे पास कमी आती है कि सैंपल्स को हम लोग हैंडल प्रॉपरली नहीं कर रहे। हम लोग हर बार लेके जाते हैं, हर बार लेके जाते हैं और हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ सैंपल में प्रॉब्लम आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि इस पॉइंट पर आकर के मेरा क्या है, सैंपल में गड़बड़ी हो जा रही है। अब बैलेंस ऑफ लो रिजोल्यूशन और लो ग्रेड ग्लासवेयर। लो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, मैं अपना क्या कर रहा हूँ, जो मेरा वेइंग बैलेंस है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, एग्जैक्ट रीडिंग देता ही नहीं है, मतलब 1.25 देना चाहिए वो दे रहा है 1.2 तक दे रहा है, फिर 1.3 देता है, 1.25 देता ही नहीं है, या 1.2 देगा या 1.3 देगा, 1.25 देता ही नहीं है, तो उसका रिजोल्यूशन क्या है, काफ़ी कम है। या लो ग्रेड के ग्लासवेयर, जो हम लोग ग्लासवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो मार्किंग रहती है 10, 20, 30, 40 वाली जो नापने के लिए, वो उसमें प्रॉपर नहीं होगी, तो लो ग्रेड के ग्लासवेयर में प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं, जो उसके ऊपर मार्किंग हो रखी होती है बीकर या उसके ऊपर, तो उन्होंने देखा होगा, ठीक है, यहाँ से 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 है ना, तो इस तरह से मार्किंग रहती है कितना ml पानी मेरे को चाहिए, तो इस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, पानी अपना ले लेता हूँ। बात क्लियर हो गई, चले आगे। ओके, फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंट कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। हमको एक खास टेम्परेचर पर उसको परफॉर्म करना था, टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है सराउंडिंग एयर से रिएक्ट कर रहा हो, ह्यूमिडिटी होने की वजह से मॉइस्चर आ जाए उसके अंदर, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो हमको पता ही नहीं चलता है और ड्यूरिंग प्रोसेस उसमें क्या कर देते हैं, एरर को, यानी कि हाँ इनकी वजह से क्या हो जाती है, एरर हो जाती है, हमारा सैंपल का वेइंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया इनडिटर्मिनेट एरर। आगे देखें, देन है ग्रॉस एरर। दिस एरर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अबव एरर, ऊपर के दोनों एरर है ना, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट एरर दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। दिस एरर कॉज बिग मिस्टेक, मैंने पहले बताया था ये बहुत बड़ी मिस्टेक क्रिएट कर देगा, तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, दिख वो तो दिखी जाएगी आराम से, तो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाती है, और क्योंकि इसको मिल जाती है कि हाँ हो गई गलती, हमें पता चल जाता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अवॉइडेबल मिस्टेक भी कहते हैं, यानी कि जो ग्रॉस मिस्टेक है या ग्रॉस एरर है वो एक अवॉइडेबल मिस्टेक है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमको वो दिख जाती है कि मिस्टेक हो गई है, यानी कि एक बड़ी गलती हो गई है। क्लियर है, ग्रॉस एरर में कुछ खास नहीं था, चले आगे। ओके, अब हमारे पास कुछ एक टर्म आ गई है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो समझते हैं क्या होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम लोग कहते हैं यार तुम कभी अगर इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करो तुम बड़ा प्रिसाइज हो, तुम बड़ा एक्यूरेट हो, तो देखने में दोनों वर्ड ना एक जैसे लग रहे हैं। तो देखो अगर तुम लोगों को वो टर्म समझ में आ गया है जो मैंने स्टार्टिंग में टर्म इस्तेमाल किए थे, कौन से टर्म इस्तेमाल किए थे याद है, हम लोगों ने टर्म इस्तेमाल किए थे दिस, क्या इस्तेमाल किया था, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये बात पता चल गई थी क्या है। अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग आ सकते हैं अब, क्योंकि इसी बात को लेकर के हमारी यहां पे बातें होने वाली है। कहां गए तो इसी बात को लेकर के यहां पर क्या होने वाली हैं, बातें होने वाली हैं। तो एक मेरे पास क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी, और एक मेरे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू। सपोज जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है मेरे पास वो कुछ आती है 25, कितनी है 25, यानी कि एग्जैक्ट आंसर मेरा क्या है 25 है, और मैंने वैल्यू मेजर की, ठीक है ना, मैं वैल्यू मेजर करता हूं, मेरी वैल्यू भी कितनी आ जाती है, सपोज क्योंकि वैल्यू जैसे मेरे को पता है कि मिस्टेक हो सकती है, मैं 4-5 बार वैल्यू को मेजर करता हूं, तो मैं केस 1 ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो केस 1 में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 25 है ना ये, ठीक है, तो फिर आ गई 25.2, फिर आ गई 24.9,
फिर आ गई 24.8, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। एक और मैंने केस लिया अपना, केस टू, यानी कि केस कह लो या कह लो कि एक दूसरा बच्चा था उसने नापा, उसकी वैल्यू आ रही है 34.9, 35, 35.1, ठीक है 34.8, ये उसकी वैल्यू आ रही है। अब जरा गौर से देखो, ये वैल्यू मेरी जो ट्रू वैल्यू है उसके काफी पास है, यानी कि ये वाले एक्सपेरिमेंट मेरे क्या है, एक्यूरेट है। ये वाले एक्सपेरिमेंट मेरे क्या है, एक्यूरेट है। क्या वो एक्यूरेट नहीं है? ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। कैसा है ये, कैसा है ये, प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब कि काम बहुत कायदे से किया गया है, जिसकी वजह से हर बार मेरी रीडिंग क्या है, आपस में क्लोज आ रही है। क्लोजनेस टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ये लोग आपस में बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज हैं। बट इसमें देखो क्या है, ये आपस में क्लोज भी है और साथ साथ में ट्रू वैल्यू के पास भी है। तो मैं कहूंगा जो केस वन करने वाला बच्चा था, ये एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों है। क्या है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों है। दिस इज ओनली प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। क्या है ये, एक्यूरेट नहीं है। अगर यहीं पे हम एक तीसरा केस को देखना चाहें, लेट केस नंबर थर्ड ले लेते हैं, उसकी वैल्यू आ रही है सपोज इस तरीके से, है ना, उसकी वैल्यू आ रही है सपोज इस तरीके से आ रही है, उसकी वैल्यू आ गई 24, देन 25, देन 35, देन 40। तो ये वैल्यू ना तो प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, ना एक्यूरेट के पास जाता है वो, ठीक है ना, ना वो एक्यूरेट। को यहां से हटा देते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं 23, इसको क्या कर देते हैं 23, ना तो वो एक्यूरेट है और ना ही वो प्रिसाइज है। बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहा है, एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू। मेरी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के कितनी पास है, या जो वैल्यू मैं जानता हूं उसके कितना क्लोज है। अगर वो बहुत ज्यादा उसके क्लोज है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी मेरे पास क्या, एक्यूरेट हो जाएगी वो। लेकिन अगर प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट, जो मैं मेजरमेंट्स कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेजरमेंट, मैंने चार बार एक्सपेरिमेंट किया, वो आपस में तो क्लोज हैं, आपस में वैल्यू बहुत क्लोज है बट ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, इसीलिए एक्यूरेट नहीं है बट दे आर प्रिसाइज। ये वैल्यू ऐसी है कि प्रिसाइज भी, इसकी सारी वैल्यू आपस में भी क्या है, काफी क्लोज है और साथ साथ में क्या है, एक्यूरेट तो है ही है, एक्यूरेट वैल्यू के काफी पास है। तो थोड़ा डिफरेंस देखने की कोशिश करें, अगर हम लोग क्या क्या कह रहा है, accuracy is the closeness with the true value of the quantity being measured. जो value नापी जा रही है उसके वो क्या रहेगा, काफी close रहता है। Measurement can be accurate but not necessarily precise. Measurement जो होता है वो accurate हो सकता है but जरूरी नहीं है कि precise भी हो, ठीक है। It can be determined with a single measurement. इसको हम लोग single measurement से determine कर सकते हैं। Accuracy may be affected with systematic error. जो error थे उनसे accuracy affect हो सकती है। Accurate value have to be precise in most cases. Accurate value को precise होना होता है ज्यादातर, क्योंकि जो accurate है वो precise तो होंगी होंगी, obviously बात है। Degree of conformity, ठीक है ना, ये क्या दे रहा है, confirmation देती है कि हाँ अब क्या है, मेरी value क्या है, confirmly उसके पास है। Precision is a measure of the reproducibility. Precision क्या है, reproduce होना, बार बार जो चीज repeat होती है reproduce हो रही है, ठीक है ना, measurement बार बार same value आ रही है। मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरी एक्यूरेट, जो कि प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। इट नीड सेवरल मेजरमेंट टू बी डिटरमाइंड, कई सारे मेजरमेंट चाहिए होते हैं इसको डिटरमाइंड करने के लिए, यानी कि बहुत सारे मेजरमेंट करने पड़ेंगे तब कहीं जाकर के हम डिटरमाइन कर पाते हैं। प्रिसीजन मे बी अफेक्टेड विद रैंडम एरर, ये रैंडम एरर से अफेक्टेड होता है, ये सिस्टमेटिक एरर से अफेक्टेड होता है। प्रिसाइज वैल्यू मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, प्रिसाइज वैल्यू मे और मे नॉट, घुमा फिरा के बात बता दी है। डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस बार बार हमको करने पड़ते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेबल को नोट कर लेंगे, और ये सिंपल से एक लाइन का इसका डेफिनेशन है, ठीक है, और इसी को थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में डिटेलिंग कर सकते हैं आप लोग।
सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा होगा. क्या होते हैं ऐसे फिगर्स जिनसे हमारी वैल्यू अफेक्टेड होती है. जिनसे हमारी वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगी उसका कोई मतलब ही नहीं रहता. यानी कि साफ साफ बोल रहा है इनको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं ऑफ द नंबर इन ए पोजिशनल नोटेशन. पोजिशन दे रखी है उसमें उनका नोटेशन क्या है. आर द नंबर डेटा रिलायबल, जो कि भरोसे के लायक हैं, एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी, जरूरी है टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग. किसी की क्वांटिटी यानी 2 ग्राम, 10 ग्राम, 4 मिलीग्राम बताने के लिए ये जरूरी होते हैं और रिलायबल और एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत जरूरी है, इनके बिना हमारी कैलकुलेशन नहीं होगी. जैसे कि पहले तो बात समझ लो, ये है मेरा नॉन जीरो डिजिट. ये डिजिट कैसे है मेरे पास, देखो दिखा रखा है, ये मेरे पास क्या है, नॉन जीरो. नॉन जीरो का मतलब ये कैसे है, नॉन जीरो. नॉन जीरो मतलब 1, 2, 3 से लेकर 9 तक, ये नॉन जीरो डिजिट है. अगर इनसे पहले कोई भी, मतलब ये सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट है, इसके आगे के जितने भी जीरो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरो बोलते हैं, टर्म आ सकता है. जो लास्ट का जीरो होता है उसे ट्रेलिंग यानी पूंछ जीरो कहते हैं. और ये जो जीरो है ये दो डिजिट के, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो है, तो इसे इन बिटवीन जीरो कहा जाता है. क्या कहा जाता है, इन बिटवीन जीरो, जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट. अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम समझते हैं कि किन किन डिजिट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं और किन किन डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहते हैं. चलो देखते हैं. तो मेरे पास क्या है, देखो साफ साफ बोल रहा है पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. जितना भी नॉन जीरो डिजिट है 1, 2, 9 वो सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे. जीरोस बिटवीन द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, जो जीरो है बिटवीन द नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट. और ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, अगर डेसिमल है और उसके बाद जीरो आ रहे हैं लास्ट में तो वो भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे. अब यहां देखते हैं क्या बोल रहा है वो. ठीक है, जीरोस जो लीडिंग जीरोस होते हैं, ठीक है ना, ये जीरोस कैसे हैं, दीज जीरोस आर लीडिंग जीरो, जो सबसे आगे के जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, और ऑल नॉन जीरो नंबर, ये तो हम कर चुके हैं, जीरो आफ्टर नॉन जीरो नंबर आर क्या है, ये सिग्निफिकेंट. ठीक है, यानी कि अगर जीरो पहले ही आ गए हैं, जैसे मान लो यहां पर मैं ये सब जीरो लगा दूं इस तरह से, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं. क्लियर होगी बातें, क्लियर होगी बातें. ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ बातें लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ बातें हम लोग यहां पर लिखते हैं, और वो बात क्या है, ओके पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. ठीक है ना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है ना, यहां पर अगर एग्जांपल लें हम लोग, जैसे कि 1, 2, 3, 4, यहां पर कितने हैं, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. एक ये सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, दूसरा रूल यहां पर क्या कह रहा था, ऑल जीरोस बिटवीन बी अपॉन डब्ल्यू, क्या बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 2, 0, 3 ये जीरो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है. ओके, फिर आते हैं तीसरे नंबर पे. तीसरा नंबर जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 0.000243, तो ये वाले जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है. इस नंबर में केवल दीज 3 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर होगी बात. चौथा, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर,
यानी कि 0.023000, ये जो लास्ट के जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे इसके अंदर। एक और रूल देख लें, रूल नंबर 5 जो है हमारे पास, वो क्या कहता है, वो ये है कि एक जो कंप्लीट नंबर होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ जो काउंटिंग नंबर, हम इसको कह सकते हैं क्या, काउंटिंग नंबर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2 kg या 4 बनाना, तो मैं कहूँ कि इसमें बताओ ये नंबर है 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो एक्चुअल में ये वैल्यू है क्या मेरे पास, ये वैल्यू है 2.00000, कहाँ तक चला गया हूँ मैं, इन्फिनिटी तक, मतलब मैंने यहाँ तक इसकी वैल्यू को चेक कर लिया है, जीरो ही है, तब जाकर के मेरा ये 2 एकदम एक्यूरेट आ गया, यानी 1.99999 करता चला गया हूँ, फिर वहाँ पे 1 जोड़ा, मतलब समझ रहे ना, मतलब लास्ट तक देख लिया मैंने, इसीलिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर के पास, मैंने कहा था डेसिमल के बाद भी ये ट्रेलिंग जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इन दोनों के अंदर ही, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, इन सब के अंदर इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। एक लास्ट देखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऐसा डिजिट लिखा हुआ है 2.3×10^4, तो केवल ये दोनों डिजिट काउंट होंगे किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में, ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर सकते हो, रिपीट करके देखें, और ये 3 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से पढ़ें, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे लेक्चर अगर हो सका तो चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप करने के लिए, ताकि पूरा हो जाए, 3 लेक्चर में कवर अप नहीं होगा तो जहाँ तक 2 लेक्चर लग जाएंगे, तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।